तो हेलो गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूँ सबके साथ मेरे घर में होंगे और भैया एकदम मौज मार रहे होंगे। तो मशीन चालू हो चुकी है, तुम लोग बैकग्राउंड से मौज तो आ ही रहा होगा भाई, क्या ही कर सकते हैं इसके लिए। तो रोज की तरह आज अपन लोग साइड पे आ चुके हैं, अपने पुराने वाले साइड पे अपनी लोकेशन में बैठे रहे अपन लोग और व्लॉग स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने फाइनली डेली व्लॉग का एक और नया एपिसोड। एक सांस में इतना बोल दिया भैया आज तो डेली व्लॉग का एक और नया एपिसोड शुरू होने जा रहा है गाइस। तो रोज की तरह अपनी इलाके पे अपन लोग आ चुके हैं, तो थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, थोड़ा घूमते फिरते हैं। सुबह सुबह अपन लोग यहाँ पे हर रोज़ आते हैं और हर रोज़ यहाँ पे सिर्फ बैठे रहते हैं और कुछ काम अपने को होता नहीं है। तो बैठो भाई, वेले बैठे हैं, क्या ही कर सकते हैं दोस्तों। कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक दो दिन से तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या शूट करा जाए और क्या शूट नहीं करा जाए। लेकिन जो भी हो, जैसे भी हम लोग तो व्लॉग शूट करते रहेंगे क्योंकि करना ज़रूरी है। तो सुबह सुबह तैयार होकर ये स्वेटर इसकी शर्ट के ऊपर डाल के मैं बन चुका हूँ सस्ता शाहरुख खान। तो आज हम सस्ता शाहरुख खान बने हैं, उनका स्टाइल कॉपी करके आज हम सस्ता शाहरुख खान बनेंगे। कोई बात नहीं, बन सकते हैं हम लोग। ये मशीनें ससुरी चालू हो रही हैं और इतना नॉइस आता है, ससुर दिमाग घूम जाता है हमारा। लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, मशीन तो चालू होंगी क्योंकि यहाँ पे वर्किंग साइड पे हम, तो मशीन तो चालू होंगी ही। तो डेली की तरह आज हमारा कोई प्लान नहीं है, आज भी आप लोग यहाँ आएंगे बैठ लेंगे, जो होगा आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन आज मैं लंच के बाद घर में नहीं बैठूंगा, आज मैं लंच के बाद भी यहाँ पर आऊँगा ताकि कुछ ढंग का शूट करके डाल सकूँ व्लॉग, क्योंकि मेरे व्लॉग आजकल नल्ले हो चुके हैं। आई नो, मैं खुद के व्लॉग खुद ही देखता हूँ भाई, इस बार की पोस्ट करने वाला काम चल रहा है अपना भी, लेकिन ये चीज़ गलत है, कुछ तो नया लाना पड़ेगा व्लॉग में, है कि नहीं। तो ये जो डेली बोरिंग व्लॉग चल रहे हैं गाइस, ये जल्दी ख़त्म होने वाला है क्योंकि आफ्टर शायद 10 or 12 days मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, तो अपना डेली व्लॉग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आगे के प्लान जो आने वाले वो तुम लोगों को लगने वाले हैं कतई जहर भैया, एकदम मज़े मारने वाले हैं हम लोग। हमारे इतने दूर दूर का टूर का ट्रिप का प्लान बन चुका है, अगर वो सक्सेसफुल होता है तो तुम लोग को मिलने वाले हैं कतई जहर वाले मज़े हमारे व्लॉग में। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि तुम लोग को अपने चाचा जी से वाकिफ कर रहा हूँ, तो अभी तो वो काम पे बिजी रहेंगे, उनके पास जाऊँगा तो नॉइस बहुत रहेगा, तो अपने काम करेंगे वो जैसे ही घर वाले साइड जाएंगे। तुम लोग को आज मैं अपने रूमी से और स्पेशली अपने चाचा जी से आज वाकिफ करवाऊँगा, तो तैयार है ना। हमारे चाचा थोड़ा हैवी ड्राइवर है भाई, तो मौसम की जानकारी भी दे देते हैं आपको। तो यहाँ पे आए दिन मौसम ख़राब होते रहते हैं, यहाँ का मौसम का कोई भरोसा नहीं है भैया, मेरे वीडियो में कंटेंट और यहाँ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। तुम लोग आज भी देख लो भैया, मौसम हो रहा है कतई ख़राब, नहीं वहाँ से ठीक हो रहा है लेकिन यहाँ से ख़राब है। अभी खुल रहा है शायद, वहाँ से मौसम साफ हो रहा है। तो यही बात है यहाँ के मौसम का, और मेरे वीडियो में कंटेंट का कोई भरोसा नहीं होता है। कभी तो तुम्हें अच्छा मिलेगा लेकिन कभी कभी तुम्हें कतई घटिया मिलेगा, कसम से। पिछले कोई कई ब्लॉग तो मैंने दो तीन मिनट के अपलोड किए हैं, शर्म आ रही थी मुझे अपलोड करते हुए, लेकिन क्या करना, रूटीन तो तोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने वो अपलोड कर ही दिया। अब तुम्हें मुझे पता है वो कतई वाहियात कतई नल्ले लगे होंगे वो ब्लॉग, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, जिन्होंने देखे उनने लाइक ही ठोक के गए हैं। वैसे तो जितने भी लोग हैं वो तो उनके ऊपर है, जिनको पसंद आ रहा है व्लॉग जैसे भी हमारा वो तो लाइक करके जाएंगे, जिनको पसंद नहीं आया तो डिसलाइक ऑप्शन तो है ही नहीं। तो कि तुम कमेंट करके तो बता सकते हो ना मुझे कि तुम्हें मेरे व्लॉग में क्या पसंद नहीं आ रहा है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए भाई, बता सकते हो यार। देख लो भाई मशीन कहाँ पर, आज मशीन तुम लोग को दिख रही होगी, ये जो है सीधी सी यही मशीन है, बाकी वहाँ पर लड़के लोग हैं, इसको पूरी रस्सी से बांधा गया है अभी, तो इतना रिस्की काम है भाई साहब। अरे अरे भाई इतना जुम्म मत हो, पिक्सल फट गया, बस यही है हमारा काम। इसके ऊपर जो ड्रिल होती है इसको डीटी कहा जाता है, बस ये था मुफ्त का ज्ञान। तो हाँ भाई, तो रूम में लंच करने के लिए, और ये चेक करो आप लोग, ओ भाई देख रहे हो बारिश पड़ रही है यहाँ पे, पता नहीं कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश पड़ रही है। थोड़ी देर पहले कैसा मौसम सब देख लो, बड़ा मस्त ठंड बहुत हो रही है भाई अब तो। तो हाँ भाई, तो इतनी बारिश में भी हम लोग एकदम लेटे हुए थे अपने बिस्तर पे, काम शाम बंद करके अभी रूम पे थोड़ा सामान लेने आना था तो वो लेने आए थे हम। बाकी तुम देख सकते हो एकदम अभी उजड़ा चमन तो गंजा हो गया ना, अभी एकदम मैं कहते ही ख़तरनाक वाला लग रहा हूँ जंगली। तो बारिश यहाँ पड़ रही है, सिंगल शर्ट पर मैं जल्दी जल्दी बाहर आ गया, लेकिन अभी ठंड लग रही है तो मेरी थोड़ी सी यू नो हालत पतली हो रही है। हाय भाई कसम से, मौसम का व्यू चेक कर लो तुम एक बार, काफ़ी मस्त हो रखा है व्यू तो भाई, कहते जहर लग रहा है। एक तो मेरे फ़ोन में स्टेबलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो चलता हूँ तो फ़ोन पूरा घड़ाल ऐसे कुछ हिलता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होने वाली है जो कि आपको आने वाले ब्लॉग में देखने के लिए वाला है। तो आज तो हम आपको चार्ज से वाकिफ़ नहीं करा पाए, लेकिन बहुत जल्द करा देंगे। मिलते हैं आप लोग सबसे पहले अगले अलग ही ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर से कर देना, कहीं से नया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं भी घर जा रहा हूँ, मुझे ठंड लग रही है भाई।